स्वागत है सभी बच्चों का और फिर से नई क्लास में। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा मुझे कि अब जो लाइटिंग व्यवस्था है वो ज़्यादा सही नहीं है। सही क्या नहीं है, मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इन्वर्टर वगैरह तो जो है सप्लाई की आती है उसी के भरोसे काम चलता है, और बीच में जब ये ऑफ हो जाती है, कट हो जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। कल के वीडियो में यही हुआ, अचानक चली गई 17 मिनट का। अब लगभग समझिए कि 30-35 मिनट का तो वीडियो बनता ही है, तो उसमें होगा क्योंकि 17 मिनट का कुछ बन गया तो समझोगे हम आधा चले गए। अब आधा आगे बढ़ गए तो वहाँ से फिर ये होता है कि या तो दोबारा फिर उसको डिलीट करके बनाओ, या तो वही आधा अधूरा डाल दो। तो वही मैंने किया तो मुझे खुद ज़्यादा नहीं अच्छा लगा कि मतलब मैं इस तरह का डालूं, लेकिन अब मैं क्या करता, मेरे सामने कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। एक तो बहुत दिन भर के काम के बाद बड़ी मुश्किल से अभी स्कूल से आने के बाद मैं तुरंत ही मतलब इसी काम में लग गया, क्योंकि इसके लाइट जाने का टाइम लगभग 8 के आसपास होता है, 8:30 के पास। तो मैंने कहा पहले मैं यही काम करता हूँ, तो अब उतनी परिश्रम के बाद आकर के तुरंत ये काम करो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, मुश्किल है तो फिर मुश्किलों से ही लड़ना हमारा काम है। मैं तो यही सोचता हूँ कि मतलब परेशानियाँ, मुश्किलें, मुसीबतें जो भी है आती चली जाएं, उसमें कुछ भी समझौता नहीं है, उनसे लड़ना ही है और उनका सामना करना है। फिलहाल चलिए तो आगे उसी को बढ़ा देते हैं। इन्वर्जन बताया था, इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक सीक्वेंस होता है हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में, लेकिन जब वही उल्टा हो जाता है यानी वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के पहले जब वर्ब आ जाती है तो उसी को हम इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ द वर्ब कहते हैं। और उस वर्ब के साथ साथ कभी कभार एडवर्ब भी आता है, और उस एडवर्ब का जब वो आगे आता है एडवर्ब, तो उसके साथ वर्ब आना एक मतलब ग्रामेटिकल रूल है वहाँ पर क्यों आता है, तो यहाँ पर समझेंगे। फिलहाल अभी कुछ मैंने सिंपल सेंटेंस लिख रखे हैं, जैसे लिखा है आई हैड स्कार्सली स्टेप्ड आउट व्हेन, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट है, आप सही है। आई हैड स्कार्सली स्टेप्ड आउट व्हेन द टेलीफोन रैंग, मतलब मैं मुश्किल से बाहर मैंने कदम रखा ही था जब टेलीफोन बज उठा। ये एक सामान्य सा फ्लो रहता है, एक नॉर्मल फ्लो रहता है, लेकिन जब इसको हम आगे ले लेते हैं ऐसे स्कार्सली, अब मैंने कहा था कि अभी ये स्कार्सली आपका वर्ब नहीं है, ये है एडवर्ब। और एडवर्ब क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके मॉडिफाई करता है वो। तो अब जब नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता ही नहीं है, तो जब यहाँ पर हम स्कार्सली लगाते हैं तो ये प्रोनाउन पर इफेक्ट डालने लगता है। कैसे, जैसे हमने लिखा स्कार्सली और आई हैड, जब हम ये करते हैं तो इस वर्ब एडवर्ब और इस वर्ब के बीच में ये गैप आ जाता है, ये एक दूसरा पर्सन आ जाता है जो इसका इंप्रेशन इस पर पड़ने लगता है, और इसी वजह से इसको क्या किया गया है, इसको आगे लगाया जाता है। ये बात है। और देखिए ये बहुत ही आप आसान तरीके से मत लीजिए, स्पेशल है ये, और इसकी मैं PPT बना करके एक्सरसाइज समझाने वाला हूँ, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस। कॉमन एरर में आप देखेंगे, स्पोर्टिंग एरर में देखेंगे, इसको सामान्य लीजिए, क्योंकि देखो ज़्यादातर होता है नुकसान कब होता है, जब हम किसी चीज़ को सामान्य रूप से ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। डोंट टेक इट लाइटली, टेक इट सीरियसली, क्योंकि हम इन्हीं में जा करके उलझते हैं। और देखो सारा जीवन कहिए या सारा अपना परिश्रम का दौर, बच्चा बहुत सीरियसली नहीं लेता है, धीरे धीरे ये उसके मन में कभी ये नहीं होता कि ये चीज आएगी, कभी ये नहीं समझता कि नहीं शायद इसी तरह हम कहते हैं कि ये चीज नहीं आएगी, बट एक एक कंप्लीट करो ना। जब कोई जंपर होता है, लॉन्ग जंपर होता है, जब वो जंप लगाता है तो एक एक सेकेंड, एक एक सेकेंड का और एक एक इंच का हिसाब रखता है वो, एक एक मिलीमीटर, एक एक सेंटीमीटर का हिसाब रखता कि मैंने पिछली बार मेरा ये रिकॉर्ड था,
अब की बार मेरा 1 इंच बढ़ गया या 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, सोचने की बात है। वो 1-1 सेंटीमीटर को कवर अप करता है और तब जाकर के वो कहीं गोल्ड मेडल पाता है वो, मतलब समझने की बात। तो हम 1-1 चीज को कवर कर, हम कहते हैं चलो आए चाइना, लेकिन ये है कि इन्वर्जन वाला पार्ट हमें कंप्लीट तो हो जाए कि नहीं। इन्वर्जन में अगर इस तरह कोई बात आएगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी, इसको ध्यान से देखना चाहिए। स्कार्सली आई हैंड, तो जब हम ये करते हैं तो गलत होता है। अब ये जब कर देगा, किसी को नहीं पता होगा तो वो नहीं समझ पाएगा, तो इसमें करते हैं स्कार्सली हैड आई, ये करते हैं स्कार्सली हैड आई स्टेप्ड आउट। स्टेप्ड आउट और वेन का वेन वहां पर लगा रहेगा, वो आगे आपका इसी तरह चला जाएगा। स्कार्सली हैड आई, तो ये क्या हो गया, ये वर्ब का पार्ट है जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में रहता है, और अब इसका इंप्रेशन इसमें पड़ेगा तो जो वर्ब है उसी को इफेक्ट डालती है एडवर्ब, तो बस सही हो। ये इन्वर्जन है कुछ इस तरह के, वो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन्वर्जन लेता तो वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन कुछ इस तरह के सेंटेंस है जिनका इंट्रोगेटिव नहीं है ये, क्योंकि भाई अगर ये ना होता तो इंट्रोगेटिव मानते हैं, लेकिन जब ये हो जाता तो इंट्रोगेटिव फिर नहीं होता, फिर अर्थ वही सेम देता है, ये आप समझ लीजिए। अब क्या है, जैसे आई हैड हार्डली रीच द स्टेशन, तो यहां पर भी यही होगा, हार्डली आपका पहले आ जाएगा और हैड भी आपका पहले आ जाएगा, तो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, मतलब ये हो गया कि मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा था कि गाड़ी चल दी, या स्टेशन पहुंचने भी ना पाया था कि गाड़ी थी, बहुत ही क्लोज इसमें टाइम का एक सिचुएशन रहता है, बहुत ही क्लोज कॉम्बिनेशन रहता है। अब यहां पर आई हैव सेल्डम हियर्ड सच ए ब्यूटीफुल वॉइस, तो इसको आप सेल्डम आगे ले जाओगे, सेल्डम आगे ले जाओगे तो हैव यहां पे लाओगे, सेल्डम हैव आई हियर्ड अ सच अ ब्यूटीफुल, शायद मैंने कभी इतनी सुंदर आवाज सुनी हो, अर्थात मैंने इतनी सुंदर आवाज कभी सुनी नहीं है। तो अब वो सामान प्रयोग हो गया, लेकिन सेल्डम ये आपका एडवर्ब है तो आगे वर्ब जाएगी, वर्ब का पार्ट जाएगा, और इसके बाद आई हैव नेवर हियर्ड सच एन अटर नॉनसेंस, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने कभी सुनी नहीं, तो नेवर आगे जाएगा तो हैव भी आगे आएगा, तो नेवर हैव आई हियर्ड ऐसे जाएगा ये। तो यहां पर सेंटेंस देखिए, ये नेवर आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, या फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेवर हैव आई हियर्ड और आगे लगा देंगे सच एन अटर नॉनसेंस, अटर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अटमोस्ट इसी से बनता है। तो यहां पर अटर नॉनसेंस, नॉनसेंस माने बदतमीजी या बेवकूफी, मतलब इस तरह की इतनी बड़ी बेवकूफी ऐसी मैंने नहीं सुनी कभी। अब नेवर पहले आया, जब नेवर पहले आएगा ये एडवर्ब है, तो यहां पर वर्ब का ये इन्वर्जन हो गया इस तरफ का। अब जब आपको कॉमन एरर देता है तो ये नेवर तो यहां देता है, हैव को इधर देता है, जब वो आपको देगा तो ऐसे देगा, नेवर आई हैव हियर्ड। तो अगर इसका प्रभाव आप नहीं जानते हो, इसका अगर नियम नहीं जानते हो, इसका आप तरीका नहीं जानते हो, तो आपको ये गलती लगेगी ही नहीं। हाँ, करोगे क्या, इसको उठा करके यहां लग दोगे आई हैव नेवर, लेकिन ये रख दोगे कब, जब आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तब, और शायद वो इसी सिचुएशन में दिए और कहता है कि एरर ढूंढो, तो फिर आप ढूंढ तो दोगे कि नहीं यही है, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि ये चीज होते हुए भी आप नहीं समझ पाते। चलो यहां नेवर समझ गए, नेवर इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि नॉट की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये तो नहीं समझ पाओगे ना, स्कार्सली तो नहीं समझ पाओगे, हार्डली तो नहीं समझ पाओगे, या फिर और जो लगे हैं, दे नॉट ओनली लगा होगा तो कैसे समझोगे, रेयरली लगा होगा कैसे, इन नो वे कैसे समझोगे, ये चीज है। तो यहां पर हर एक बात को हमको गौर से देखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ये दे नॉट ओनली लूटेड द शॉप, अब दे नॉट ओनली, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो क्या है आपका,
कंजंक्शन है, कंजंक्शन होता है, एडवर्ब होता है, और इसमें ये कई तरीके से ऐसे होते हैं जो, हाँ, एडजेक्टिव होता है जिनको वो एनवर्जन के रूप में लेता है, तब जाकर के आपके लिए दिक्कत हो जाती है। अब ये कैसे लेगा, नॉट ओनली दे लूटेड, अगर उन्होंने ऐसे कर दिया तो समझो पहले तो सेंटेंस गलत हो गया। नॉट ओनली दे लूटेड, केवल उन्होंने ही नहीं लूटा, इसका मतलब है और बहुत सारे लोगों ने लूटा, गलत हो गया। इसका जो जोर पड़ रहा है वो इस पर पड़ रहा है, नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि दे नॉट ओनली लूटेड द शॉप बट ऑल्सो सेट फायर टू इट, उन्होंने केवल दुकान को लूटा ही नहीं बल्कि उसमें आग भी लगा दी। तब जब ये चीज आएगी तो फिर आप ऐसा करके लिखोगे तो गलत होने लगेगा, इसलिए आप इसको करोगे कैसे, नॉट ओनली डिड, ये इसकी फॉर्म लाओगे और यहां पर करोगे ऐसे, और फिर करोगे लूट द शॉप ऐसे, अब यहां पर लगा देंगे बट करके, आगे जैसा लिखा वैसा लिख देंगे। नॉट ओनली डिड दे लूट द शॉप, केवल उन्होंने दुकान ही नहीं, अब ये इस पर जोर नहीं पड़ेगा, ये सीधे इसका प्रभाव आपका पूरे का इस वर्ब पर रहेगा, इफेक्ट इस पर रहेगा और आपका सेंटेंस सही रहेगा, जो अर्थ इसका वह इसका, ये इंप्रेसिव, केवल उन्होंने दुकान को ही नहीं लूटा, इसका मतलब क्या, उन्होंने केवल दुकान को ही नहीं लूटा बल्कि उसमें आग भी लगा, और उन्होंने केवल दुकान को ही नहीं लूटा बल्कि उसमें आग भी लगा दी, ये इंप्रेसिवली आपको कहना पड़ेगा, आपको अपनी टोन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां पर इस तरह से ये ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें भी। इसके बाद है, यू विल रेयरली हियर सच ए ब्यूटीफुल म्यूजिक, आप मुश्किल से ही या शायद ही कभी इतना सुंदर संगीत सुनोगे। तो यहां पर क्या है, आपको करना पड़ेगा रेयरली विल यू हियर, ये इसका आगे चला जाएगा, ये है इन्वर्जन, ये सब्जेक्ट के पहले विल आ गया और ये आगे एडवर्ब, एडवर्ब आ रहा है इसलिए इसको ऐसा करना पड़ रहा है। अगर हम इसको हटा दें तो फिर वो बात नहीं रहेगी जो हम उसमें देना चाह रहे हैं, ये सेंटेंस में जो बता रहा है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव अफर्मेटिव है और आपने कर दिया इंट्रोगेटिव, आप पूछने लग गए, इसलिए आपको, अगर ये रेयरली भी यही रहता है तब भी गलत है, इसलिए आपको लाना पड़ेगा रेयरली आगे, ये इन्वर्जन तब जाकर बनेगा, और ये जब एडवर्ब आगे आएगा तो वर्ब उठ करके आगे आएगी तो ये वर्ब का इन्वर्जन होगा। तो इस बात को आपको यहाँ पर भी गौर करना पड़ेगा कि ये इस प्रकार का इन्वर्जन है। इसके बाद लिखा है इन नो वे डू आई, अब ये देखो इन्वर्जन ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हम ये कहते हैं कि आई एग्री इन नो वे विद व्हाट यू आर सेइंग, किसी भी तरह से मैं आपकी उस बात से सहमत नहीं हूं जो आप कह रहे हैं, तो यहां नो इन नो वे ये पूरा एडवर्ब है, मतलब एडवर्बियल फ्रेज है, और ये एडवर्बियल जो फ्रेज है ये, इसको अगर हम हटा दें, ये इसको इसलिए लाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू हमने आगे लगाई, और वही चीज मैं कल समझा रहा था नो सुनर वाले वक्त, पिछले वीडियो में आप देखिए नो सुनर डिड वाला, वैसे तो जब होता है कि एस सुन एस लगाया जाता है तो उसमें डिड विड कुछ नहीं लगाया जाता है, एस सुन एस कंजंक्शन होता है, लेकिन जब एडवर्ब लेते हैं तो नो सुनर होता है उसका एडवर्ब, और उसका निगेटिव सेंटेंस बनाता है, साथ ही वो पॉजिटिव डिग्री को कंपरेटिव डिग्री भी बनाता है, अफर्मेटिव से निगेटिव भी बनाता है, और वो सेंटेंस में काफ़ी चेंज करके आता है, मतलब आप नो सुनर लगाओगे फिर डिड आगे लगाओगे फिर आगे देन लगाओगे, ऐसे करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करोगे, चार चेंजेस उसमें करने पड़ते हैं। तो यहाँ इन नो वे आया तो ये डू आगे लगा दिया। अब अगर आप ऐसा करते हो कि यहाँ पर ये चीज़ अगर आपको आ जाती है, अब देखो ये ऐसी चीज़ें हैं इन नो वे आई एग्री विद, पता चलेगा तुम्हें कि ये कहाँ गलत है, नहीं समझ पाओगे, इसलिए इन चीज़ों को गौर करना और इन चीज़ों को कभी ना कभी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब देखिए कुछ एक अलग टाइप का इन्वर्जन मैं कुछ बता देता हूँ, और भी है इन्वर्जन, अब जैसे हो गया ओनली देन डिड आई अंडरस्टैंड
what the matter was. Only then did I, केवल तभी, अब ये चीज अगर हटाई जाती है तो सेंटेंस जो डीप ग्रामर एक कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ते हैं तो उसकी बात अलग होती है, जब जनरल ग्रामर पढ़ते हैं तो उसकी बात अलग होती है, और जब उसके और नीचे जूनियर प्राइमरी लेवल की ग्रामर पढ़ते हैं तो वो एक अलग बात है। ये मत समझिए या कभी ये मत कहिए कि ओनली देन आई कुड अंडरस्टैंड द मैटर, केवल तभी मैंने कहा ना कि जब आप स्पेशल की ग्रामर पढ़ते हैं तभी तो हमको इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, वरना सामान्य चीज़ें तो सबको आती है। अब जैसे वो कहते अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट इंजर्ड, फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट इंजर्ड, सौभाग्य से या किस्मत से वह घायल नहीं हुआ था, तो ये हम लगाते हैं, ये एडवर्ब क्या लगाते नहीं है, लेकिन जब उसको इन्वर्जन में लेते हैं कॉमा हटाते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर जाकर के लागू होती है, और ये कम्पिटिटिव जो पेपर सेट किए जाते हैं वो इसी तरह से आप उसकी सेटिंग पाएंगे कि आप सोचते कुछ और हो, आज तक देखा कुछ और है, आपके मन में कुछ और है, लेकिन वो नियम कुछ और है। तो जब तक ये देखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं और मानोगे नहीं, तब कर नहीं पाओगे। ओनली देन डिड आई, अब यहाँ अंडरस्टूड होना चाहिए व्हाट द मैटर वाज, मामला क्या था, केवल तभी मैं समझ, अब ये चीज़ है ना, ये इस पर इफेक्ट डालेगी, इसलिए इसको किया गया फर्स्ट फॉर्म और इसको किया गया सेकेंड, मतलब इसको डिड लाया गया, तब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों मिलकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का काम कर रहे हैं। इसका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड फॉर्म लगती है बोध कराने वाला पास्ट का, उसको अलग करके यहाँ लाएगा डिड, तो इसको फिर से पास्ट फर्स्ट फॉर्म कर दिया गया। ऐसे और तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे अब एक ये इन्वर्जन आता है, नो वेयर कैन यू फाइंड such an honest man, आप ऐसा ईमानदार व्यक्ति कहीं नहीं पा सकते। अगर हम इसको देखें, nowhere का मतलब होता कहीं नहीं, तो इसको हम कहां लाएंगे, you can find, अब ये जब ये हम यहां से हटाएंगे आगे लाएंगे तो ये भी आगे चला जाएगा, क्योंकि ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब ये आ गया है तो ये भी इधर आ गया, तो यू कैन फाइंड nowhere सच एन ऑनेस्ट मैन, ये एडवर्ब, चाहे तो आप नो की जगह भी लगा सकते हो, यू कैन नो वेयर फाउंड, यू कैन नो वेयर फाउंड फाइंड सच एन ऑनेस्ट मैन, तो इतना ईमानदार व्यक्ति कहीं पा नहीं सकते हो। तो देखिए ये भी एक इन्वर्जन है कि नो वेयर को उसने आगे लिया, नेवर की तरह आगे ले लिया, रेयरली स्कैर्सली हार्डली की तरह आगे ले लिया, और जब आगे ले लिया तो इसकी जो वर्ब का पार्ट जो यहाँ लगना चाहिए था वो उठकर यहाँ आ गया, ये वर्ब का इन्वर्जन हो गया। तो इस तरह से इन चीज़ों को और भी ध्यान देना पड़ता है कि जब कोई विशेष चीज़ विशेष वाक्य इस तरह से आता है तो उसको गौर करना पड़ता है। वर्ब का इन्वर्जन सामान्य नहीं है, बहुत विशेष। कहते हैं कि इफ आई वर ए किंग, ऐसे अब यहां पर हो गया आई वुड डू राइट जस्टिस, अब यहां पर यदि मैं राजा होता तो मैं सही न्याय करता। अब ये देखिए पास्ट कंडीशनल है, एक इमेजिनेटिव सेंस में होता है, तो अब इसको जब कंडीशन, अब इसका इन्वर्जन कैसे होता है, इसमें ये वर होता है, वर आई ए किंग, अब ये प्रश्नवाचक नहीं बना, अब ये मत समझिए प्रश्नवाचक बना, ये उसी तरह का सेंस देता है, बस होता ये है कि जो इफ होता है ये हट जाता है और ये इफ की जगह काम करने लगता है। वर आई ए किंग, यदि मैं राजा होता। अब जैसे यहां कहते इफ यू फेल, If you fail, अब इसका कैसे होता है, ये तुम फेल हो जाओगे, कामा लगा दिए, What will you do? यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ये तुम फेल हो जाओगे तो क्या करोगे, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है, अब ये आपकी प्रिंसिपल क्लास है जो इंट्रोगेटिव है, अब प्रिंसिपल क्लास में क्वेश्चन कर रहा तो ये तो लगाना ही पड़ेगा, और इसका इन्वर्जन अलग है, ये सब्जेक्ट है, इसका इन्वर्जन ये इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस इन्वर्जन
होता ही है, ये इन्वर्जन हो गया। अब इसको हम दूसरे हिसाब से कर लें, एक आ जाता है शुड यू फेल, शुड यू फेल, अब फिर यही उतार देगा व्हाट विल यू डू, तब भी ये लगेगा, लेकिन ये इसके इसके बदले आया, ये इफ की जगह ले रहा है, ये कंडीशन बता रहा है, ये इंट्रोगेशन नहीं बता रहा, ये कंडीशन बता रहा है, ये इंट्रोगेशन नहीं बता रहा, कंडीशन भी वर्ब भी कंडीशन बताती है। जैसे हम कहते हैं परमिट मी कॉमा आई शैल गो देयर, ये इन्वर्जन नहीं है, ये मैं कंडीशन बता रहा हूं, ये भी कंडीशनल सेंस देता है, ये जो वर्ब लगी वर्ब परमिट मी, मुझे अनुमति दो मैं वहां जाऊंगा, कंडीशनल सेंस में मुझे अनुमति दो मैं वहां जाऊंगा, कैसे, यदि आप अनुमति मुझे देंगे मैं वहां चला जाऊं, यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा, इसमें कंडीशन छिपी हुई, परमिट मी आई शैल गो देयर, मुझे अनुमति दो मैं चला जाऊं, यदि अनुमति देंगे चला जाऊं, इसमें कंडीशन छिपा हुआ है। तो ये मत कही कंडीशन क्या क्या नहीं बताता, कंडीशन ये भी बताता है, कंडीशन ये भी बताता है, कंडीशन ये भी बताता है। तो इस तरह से ये कई प्रकार का इन्वर्जन होता है, यहां पर इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। जैसे हम कह दें इफ आई हैड बीन केयरफुल दिस प्रॉब्लम would not have happened, कहा गया कि यदि मैं सावधान होता या रहा होता तो यह समस्या नहीं हुई होती। अब ये इफ कंडीशन बता रहा, ठीक, अब इसको हम लिखते हैं कभी कभी ऐसे, had I been केयरफुल, हालांकि है ये वर्ब लेकिन ये इंट्रोगेशन नहीं बता रहा, ये इन्वर्जन बता रहा, हाँ लेकिन ये है कि ये इसको कंडीशन के रूप में ले रहा है, ये भी इन्वर्जन है। हैड आई बीन केयरफुल, यदि मैं सावधान होता, अर्थ वही रहेगा, ये हट गया, ये एक वर्ब का पार्ट है और ये सब्जेक्ट से पहले आएगा तो इन्वर्जन देगा, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना मींस इन्वर्जन, यानी जो अंग्रेजी के सेंटेंस का एक सीक्वेंस है उसको जस्ट उल्टा करना मतलब इन्वर्जन, तो ये भी एक इन्वर्जन के रूप में है, लेकिन ये उस तरह का इन्वर्जन नहीं है कि इंट्रोगेशन पैदा कर दे, या एडवर्ब के साथ आ रहा है, नहीं, ये कंडीशन के साथ आ रहा है, वर है, इफ है, और इसके बाद जैसे इफ में देखा तो इफ, इफ ये वाला तो सीधा है ना, इसमें तो कोई इन्वर्जन है नहीं, ये कंडीशनल सेंस देता है, कंजंक्शन के रूप में होता है, और यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ऐसे करके ये सही सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस उल्टा कर रहा है तो ये इन्वर्जन हो गया, लेकिन ये रहेगा अर्थ इसी का, इफ का, यहाँ कोई वैसा दूसरा सेंस नहीं जाएगा। अब देखिए एक प्रकार का इन्वर्जन और रह जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे तुमने सेंटेंस देखा होगा कि ही नाइदर रीड्स, He neither reads nor does he let others read. अर्थ हुआ वह ना तो पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देता है। कभी कभी ये चीजें जानते हो कैसे आ जाती हैं, कभी कभी ये आ जाती हैं चीजें कि neither और nor क्या है। अब नाइदर नॉर्म होता क्या कि नाइदर नॉर्म में लिख दिया प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, आपने इसको ज्यादातर पढ़ा कि ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन ऑप्शन दिए ही नहीं। अब आप चक्कर में पड़ जाते हो कि कंजंक्शन के रूप में तो हमने इसको इस्तेमाल किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन के रूप में पढ़ा है, आइदर और हमने कंजंक्शन के रूप में पढ़ा है, कंपाउंड सेंटेंस में आता है, ये सब अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं, और यहाँ पर तो कंजंक्शन का ऑप्शन ही नहीं है, तब चक्कर में पड़ जाता है। तो ये देखिए क्या है, ये एडवर्ब है,
ये देखो ये वर्ब है और वर्ब के पहले अगर हुआ ना तो पढ़ता है। जब हम ये कहते हैं कि ही नाइदर इंटेलिजेंट नॉट क्लेवर, ना बुद्धिमान है और ना ही चालाक है, तब भी एडवर्ब है। तो इस तरह से जब कंजंक्शन की बात आएगी कि क्लॉज जोड़ता है तो हो सकता है अगर वो कंजंक्शन का ऑप्शन देगा तो तब कंजंक्शन होगा, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में फिर ऑप्शन एक ही होना चाहिए और संभवतः एक ही देता है वो। कंजंक्शन के रूप में इनकी पहचान ज्यादा होती है, कोरिलेटिव कंजंक्शन रूप में कंजंक्शन ऑप्शन हटा करके एडवर्ब दे देता है। तो अब एडवर्ब की तरफ दिमाग बहुत कम जाता है। ये भी देखिए ये वर्ब से पहले और ये भी वर्ब से पहले, तो जो वर्ब से पहले इस परफेक्ट डाल रहा है ये एडवर्ब। अब इन्वर्जन की बात करते हैं। अब इन्वर्जन की अगर हम बात करें तो इन्वर्जन देखो जरा, इन्वर्जन यहां पर बिल्कुल सीधा है, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद वर्ब है, इसका इन्वर्स नहीं है, यानी ये उल्टा नहीं है। अब यहां पर आ जाइए, जब ये नॉर आता है तो नॉर के बाद सीधे ही नहीं आना चाहिए, इसलिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसकी वर्ब निकाल करके यहाँ रखी जाती है। तो ये है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले ये हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक, और ये आपका सॉरी ये आपकी हो गई वर्ब और ये हो गया आपका एडवर्ब। तो ये हो गया, अब सब्जेक्ट से पहले अगर सिक्वेंस ऐसे उल्टा आया तो यही तो इन्वर्जन हो गया। तो ही नाइदर रीड्स नॉट डज ही लेटर, कुछ लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं, सीधे इसको लगाते नहीं, ये नहीं लगाते तो फिर ये भी नहीं लगाते, सीधे इतना बना देते ही नाइदर रीड्स नॉर लेट अदर्स रीड। तो अब ऐसे में क्या हो जाता है, नॉर के बाद सीधे ये क्या है वर्ब है, तो नॉर के बाद सीधे वर्ब आती आनी चाहिए, तो अब वर्ब आ रही है। सब्जेक्ट जब यहां पे ले लेगा, अगर वो ऐसे ले लेगा नॉर ही लेट अदर्स, अब गलत है। अब इसी वजह से यहां पर डज डाला जाता है क्योंकि इसके बाद वर्ब ही आनी चाहिए, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो और या फिर मेन वर्ब। और इस सेंटेंस की खासियत देखिए, साधारण वाक्य नहीं है, ज्यादातर सेंटेंस देखिए किसी भी टेंस में आप बनाइए, जैसे ही विल नाइदर रीड नॉर विल ही लेट अदर्स रीड, यह हो ही इज नाइदर रीडिंग नॉर इज ही लेटिंग अदर्स रीड। या हम ये कह दें कि ही नाइदर स्लेप्ट नॉर डिड ही स्लीप, नहीं लेट अदर्स स्लीप। फिर देखिए अगला, He has neither completed his work nor has he let others complete. मेरा वादा है और बल्कि दावा है कि अगर वो चाहे तो इन्हीं में कहीं पर आपको फंसा सकता है, उलझा सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस तरह के सिचुएशन वाले सेंटेंस नहीं पढ़ते, पढ़ते नहीं हैं, या मान लीजिए उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, या ये कहिए पढ़ाया नहीं जाता हर सेंटेंस। और ज्यादातर बच्चा इसी सेंटेंस के फॉर्मेट को जानता है, इसी का प्रारूप समझता है, बल्कि ये किसी भी टेंस में बन सकता है। अब देख लीजिए, he will neither read nor will he let others read, न तो पढ़ेगा ना किसी को पढ़ने देगा, he is neither reading nor is he letting others read, न तो वो पढ़ रहा है ना ही किसी को पढ़ने दे रहा है, he neither slept nor did he let others sleep,
ना वो सोया ना किसी को सोने दिया, और ही हैज नाइदर कंप्लीटेड हिज वर्क नॉर हैज ही लेट अदर्स कंप्लीट, ना तो उसने अपना काम पूरा किया और ना दूसरों को पूरा करने दिया। अब इन सब में इन्वर्जन है, नॉर डज इन्वर्जन, नॉर विल इन्वर्जन, नॉर इज इन्वर्जन, नॉर डिड इन्वर्जन और नॉर हैज इन्वर्जन, सब जगह इन्वर्जन आया है, सब जगह। अब इसकी खासियत देखिए, जो आप ये देख रहे हो ये लेट, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है लेट, इसमें इस तरफ लेट मेन वर्ब के रूप में काम करती है। तो फिर ये क्या है, ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये और ये क्या है, ये सब इन्फिनिटिव है। अरे जब मेन वर्ब ये रहेगी तो इन दूसरी वर्ब आएगी तो इन्फिनिटिव तो होगी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सीधा सीधा है, ना वो सोया ना दूसरों को सोने, या ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इन्वर्जन की वजह से होता। तो दूसरा ये है कि यहाँ तो वो खुद कर रहा है या नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ दूसरों को करने दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है, इसलिए लेट की मीनिंग लाओ गया। यहाँ पर लेट मेन वर्ब के रूप में आएगी तो दूसरी वर्ब आएगी तो इन्फिनिटिव आएगी। अब यहीं पर आपको अगर वो कंप्लीटेड कर दे तो आप उलझ जाओगे, यहीं पर अगर नॉर हैज ही कंप्लीटेड अदर्स कुछ भी उल्टा सीधा कर दे आप चकमा खा जाओगे। इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखना पड़ेगा, यहाँ ध्यान दीजिए पहले, ही विल नाइदर, अब ही नाइदर रीड्स, यहाँ पर देखिए रीड्स और नॉर डज, तो यहाँ डज आया रीड्स के हिसाब से, यहाँ विल और रीड, तो यहाँ विल और लेट, ये विल सहायक क्रिया और ये लेट आपकी मेन वर्ब, और ये इन्फिनिटिव है और सभी जानते हैं लेट के साथ इन्फिनिटिव का टू छिपा रहता है, तो लेट यहाँ पर भी इन्फिनिटिव का टू छिपा है, लेट यहाँ पर भी इन्फिनिटिव का टू छिपा है, लेट यहाँ पर भी इन्फिनिटिव का टू छिपा है, लेट यहाँ पर भी इन्फिनिटिव का टू छिपा है, लेट यहाँ पर भी इन्फिनिटिव का टू छिपा है, और ये रखना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर इज ही लेटिंग अदर्स, कुछ लोग कर देंगे नॉर इज ही अदर्स रीडिंग का रीडिंग कर दें, लेटिंग ये मेन वर्ब है और ये स्ट्रक्चर दे, किसी भी सेंटेंस में इसको आप जा करके बना सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर कोई कठिन थोड़ी है, स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि किसी सेंटेंस में सेट नहीं होगा, बस ये है कि उसको समझना पड़ेगा, उसको प्लेसमेंट देना पड़ेगा कि ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, बाकी सभी टेंस में बनता। और चूंकि बच्चों के लिए मतलब दिक्कत वाला क्यों है, कठिन क्यों है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस बच्चे नॉर्मली पढ़ते नहीं, ज़्यादा उनके अभ्यास में रहते नहीं, बुक्स में भी ऐसे हर तरह के सेंटेंस नहीं मिलते हैं। लेकिन गौर कर लीजिए, कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह से डिफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से। और अब जब बुक्स में नहीं मिलते हैं तो कंपटीशन में उठा के रख देगा, उसके लिए नहीं होगी, वो सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और एक क्वेश्चन कंपटीशन में कितना मायने रखता है ये मैं क्या बताऊं, सब जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं हर बात को, तो पूरी तरह से आप ये बात समझ सकते हो कि हमारे लिए कोई चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है, ग्रामर से रिलेटेड कितनी महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि अब ये इन्वर्जन का पार्ट टू यहाँ से पूरा हो गया, लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, और यहाँ पर कोई दिक्कत किसी भी तरह की हो तो कमेंट करें। और हाँ ये है, ज़रूर एक कमेंट मेरे पास आया आज की उसमें वीडियो में कि कमेंट बहुत बच्चे कम कर रहे हैं, तो मुझे कोई एक प्रिंसी नाम की छात्रा है जिसने मुझे बताया है कि मतलब इसमें ज़्यादा डिस्करेज्ड होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो वैसे भी नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये मतलब है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो मैं तो मेरा थीम यही है, मेरा मोटो भी यही रहता, बाकी तुम समझो उस चीज़ को कि किस तरह से हमको क्या करना चाहिए। अगर वो चीज़ अच्छी है और बेनिफिशियल है आपके लिए, लाभदायक है, तो तुम उसको लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करोगे तो अन्य लोगों को भी लाभ होगा। और हम तो देखो ये कहते हैं कि बहुत सारे वीडियो बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब में चलती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है, ठीक है। तो अगर उस तरह का या उससे बेहतर या ऐसा कुछ जो भी है कि नहीं हाँ ठीक है, आपको एक सामान्य सी लैंग्वेज, मेरे पास देखिए बहुत ज़्यादा हाईटेक कोई व्यवस्था नहीं है, सामान्य सी व्यवस्था है, तो फिर भी मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, तो मैं किसी न किसी तरह से क्लास अवेलेबल करा रहा हूँ,
तो अगर इसके मतलब हिसाब से कुछ ये बनता है कि नहीं, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।